हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया आपकी सेवा में हाजिर हूँ फिर से एक शानदार सेशन लेकर। देखिए, अपन बात कर रहे थे मिश्रण टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सेशन को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद में अगर सेशन पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चनों का जो टाइप है वो है लाभ हानि पर आधारित। जो क्वेश्चन बनते हैं मिश्रण के, वो किस प्रकार से डील करता है। कहता है, एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है, ये तो हो गई मात्रा कुल मिला के, जिसका कुछ भाग तो वह 8% के लाभ पर और शेष भाग 18% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, जितना भी है उसमें से कुछ भाग 8% के लाभ पर और दूसरा है 18% के लाभ पर, उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, हर कंडीशन में पहले 8 के लाभ पे बेचा, फिर 18 के लाभ पे, ना तो उसे 8% लाभ हुआ ना ही 18% लाभ हुआ, लाभ हुआ 14%। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए मिश्रण का जो नियम है वो किस प्रकार से काम करेगा। यहां अपन लिख लेते हैं कि मूल्य जो है वो किस किस अनुपात में है। पहले यानी कि दो पार्टों में तोड़ लिया उसको, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। एक पे तो देता है 8% प्रॉफिट, ठीक है, 8% प्रॉफिट। दूसरे पे देता है 18% प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए, जब इन दोनों को मिलाया गया लास्ट में इन लाभों को, तो नया अनुपात बना, वो कितना बना, 14%। ठीक है, ना तो पूरे पे 8% का लाभ हुआ ना ही पूरे पे 18% का लाभ हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी मिश्रण के नियम की बात हो तो अंतर को निकाल के रख देना है। पहले 8% और 14% का अंतर तो दूसरे के नीचे, तो कितना प्रतिशत भाई, 6%। ठीक है, 18% और 14% का अंतर होगा वो पहले के नीचे, तो कितना परसेंट, 4%। अब अनुपातों का अंतर जो निकलेगा, सॉरी, जो अनुपात निकलेंगे, अनुपात जो बनेंगे वो मात्राओं के बराबर होंगे। ठीक है, तो अनुपात निकले यहां से 2:3। ठीक है, तो कुल मिला के वो भार था 5:5, यानी कि जो मात्रा थी वो 5:5 के बराबर थी और उसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी 50 किलोग्राम। ठीक है भाई, जब भी ऐसी कंडीशन हो लास्ट वाला जो अनुपात मिले वो मात्रा के बराबर आएगा, यानी कि योग के बराबर योग रख देंगे। तो योग कितना हुआ, 2:3 अनुपात का 5:5, यानी 5:5 की वैल्यू 50 किलोग्राम थी, उसके पास टोटल भार था 50 किलोग्राम। अब इसने 18% वाला पूछा है, तो 18% वाले की रेशियो की का मान है 3, 1:1 की वैल्यू अपन ने यहां से पता लगा ली वो कितनी है, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो 3:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा करेंगे तो भाई 30 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार के पास 25 किलोग्राम चाय है, जिसका कुछ भाग 9% के लाभ पर तथा शेष नौ सॉरी कुछ भाग 4% के लाभ पर तथा शेष 9% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो देखिए लाभ के 2 अनुपात दे रखे हैं इसमें, पहला और दूसरा अलग अलग जो अनुपात हैं, एक तो है 4% और दूसरा है 9%। ठीक है, लेकिन जब इनको मिलाया गया लाभ को अंत के अंदर, तो दोनों मिश्रणों से कुल मिला के ना तो 7 4 का हुआ ना ही 9 का हुआ, हुआ कितने का, 7% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हर जगह प्रॉफिट की बात हो रही है, तो इनका डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 का डिफरेंस तो दूसरे के नीचे कितना परसेंट भाई, 3%। 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2%, ये पहले के नीचे। अब जो इनका अनुपात बनेगा वो मात्राओं का अनुपात बनेगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, अनुपात बना 2:3। ठीक है, कुल मिला के 5:5 था उसके पास भार। ठीक है, तो 5:5 की वैल्यू यहां से दे रखी है 25 किलोग्राम, कुल मात्रा के बराबर रेशियो का योग होगा, यानी अनुपातों का योग जो होगा वो कुल मात्रा के बराबर होगा, तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोग्राम। तो इसने पूछा है कि 9% वाला, तो 9% वाला रेशियो कौन सा है भाई, जो 9% के नीचे आएगा वो ही उसका मात्रा का अनुपात होगा, तो 3:5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोग्राम के हिसाब से
15 kg, ठीक है। तो जैसे ही अपने को पता लगा, अपन अलग अलग जिसका भी पूछेगा अपन मान निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि एक बार तो लाभ हो रहा है, एक बार हानि। पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या था, जब दोनों बार लाभ ही हो रहा था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करेंगे। इसने कहा है दुकानदार के पास 90 किलोग्राम है, ये मेरे पास में जो सबसे पहली लाइन है वो सबसे लास्ट में काम में आने वाली है, ठीक है, जिसका कुछ भाग 20% लाभ पर, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं मैं दो पार्टों में, लाभ हानि, ठीक है। तो लाभ पे तो 20% और हानि पे बेचा गया उसे 10%, ठीक है। देखिए लाभ वाला प्लस का होगा, हानि वाला माइनस का होगा, बस इतना सा ध्यान में रखना है। अब क्या करना है कि जब इनको इस प्रकार से बेचा गया तो लास्ट में पता लगा रिजल्ट के रूप में कि ना तो 20% का लाभ हुआ, ना तो 10% की हानि हुई, कुल मिला के उस पे देखिए 14% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ भाई, इन दोनों का अंतर 20 और 14 का अंतर तो कितना हो जाएगा, 6%। 14 और -10 का अंतर बनेगा देखिए 14% माइनस -10%, ठीक है। तो इनका अंतर कितना बन जाएगा, 14% माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 10%, 14 और 10 24%, ठीक है। तो इनका अंतर जो बना वो 24% बना। आशा करता हूं समझ गए होंगे इन दोनों का अंतर कैसे निकाला मैंने 24। तो देखिए अब अनुपात बना लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार, ठीक है। तो ये जो लास्ट मात्राओं का अनुपात बना वो 4:1 का बना, ठीक है। तो अनुपातों का योग कितना है, 5:5। 5:5 बराबर है कितना भाई, 90 किलोग्राम। 5:5 की वैल्यू इसने दे रखी है वो कितनी है, 90 किलोग्राम। तो देखते हैं अपने को जिसकी जरूरत होगी उसकी निकाल लेंगे। इसकी 5:5 की 90, तो 1:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 18 किलोग्राम। इसने कहा कि 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर कौन सी मात्रा बेची गई भाई, 4:1 के बराबर। तो 1:1 की वैल्यू 18 है, तो 4:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 72 kg। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास 40 किलोग्राम चावल है, ठीक है, ये तो मात्रा हुई उसकी 40 किलोग्राम, जिसका कुछ भाग 28% के लाभ पर। तो देखिए प्रॉफिट पे तो बेचा है उसने कितना, 28%। आगे कहता है लाभ पर शेष भाग 12% की हानि पर, तो लॉस में उसने बेचा वो कितने पर बेचा, 12% की हानि पर। अब जब लास्ट में उसको पता लगा कि जो मेरे पास में मैंने जब बेचा तो लास्ट में उसे पता लगा कि 8% की हानि हो चुकी है, कितने की हानि हो चुकी, 8% की। अब इनका अंतर देखिए निकालेंगे, 28% और -8 का अंतर कितना होगा भाई। अभी मैंने बताया था कि बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है, तो बड़ा तो 28% हो गया, उसमें से छोटे को घटा देंगे 8% को, तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 36%। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, -8 और -12 का, ठीक है। तो -8 और -12 का अंतर निकालेंगे तो बनेगा 4%, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए अनुपात मात्राओं का जो अनुपात बना वो कितना बना भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, ठीक है। तो 10:1 कुल योग आ गया, तो योग के बराबर योग, कुल मिला के उसके पास जितना चावल था उसे तो देख लेते हैं इस प्रकार से, तो कितना हुआ भाई, 40 किलोग्राम। तो 10:1 की वैल्यू अगर 40 किलोग्राम है, तो इसने कहा 12% की हानि पर कितने किलोग्राम चावल बेचा गया, तो 12% वाली हानि पर उसने 9:1 चावल बेचा, ठीक है। तो रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे तो 10:1 की वैल्यू 40 है, तो हर एक की कितनी हो जाएगी, 4 kg, तो 9:1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे तो 36 kg, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास 48 किलोग्राम चावल है, ठीक है, जिसका कुछ भाग 16% के लाभ पर तथा शेष भाग 8% की हानि पर बेच देता था।
कुल पर उसे 6% की हानि होती है, तो बताइए 16% के लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा। तो जैसा जैसा इसने कहा है, देखिए पहले तो मैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। प्रॉफिट पे तो उसने कितना बेचा, तो प्रॉफिट पे बेचा उसने 16%, ठीक है, और हानि पर बेचा 8%। अब क्या हुआ, फाइनली जब उसने कुल जितना बेचा उस पे अंदाजा लगाया, तो उसने पाया कि 6% की हानि हुई, ठीक है। तो ना तो 16% का लाभ मिला, ना तो 8% की हानि मिली, मिला तो मिक्सअप किया तो कितना हुआ, 6% की हानि हुई। तो इन दोनों का अंतर तो दूसरे के नीचे 16 और 6 का अंतर कितना होता है भाई, 22%, ठीक है। 8% और 6% का अंतर कितने का हुआ भाई, देखिए जब दोनों विपरीत निशान के होते हैं तो मैंने कल भी कहा था आपको कि प्लस करने होते हैं, और जब समान निशान के होते हैं तो उनका माइनस कर दिया जाता है। तो 8 माइनस का और माइनस का 6, इनका अंतर लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, ठीक है। जब 2 बचेगा तो इस प्रकार से देखिए मात्राओं का अनुपात, इनकी जो इकाइयां हैं उसे हटा देंगे प्रतिशत से प्रतिशत, और कटने के बाद में अनुपात बचेगा 1:11, ठीक है। अब इसने कहा 12 रेशियो कुल मिला के योग के बराबर योग रखेंगे, 12 रेशियो उसके पास था, तो उसके पास था 48 किलोग्राम गेहूं, समझ रहे हैं। तो हर एक की कितनी हो जाएगी भाई, बारह चौक 48, यानी कि 4 किलोग्राम, ठीक है। तो बताइए 16% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ठीक है। तो इसे 4 केजी कर लीजिएगा, 8 केजी की जगह 4 केजी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना गेहूं बेचा, 1 रेशियो की वैल्यू 4 केजी है, तो देखिए 12 रेशियो की वैल्यू 48 किलोग्राम थी, तो एक की निकाल ली 4 केजी। अब 16% की लाभ पर उसने क्या किया है भाई, सिर्फ 1:1 बेचा है, तो 1:1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 केजी, ठीक है। तो उसने बेचा 4 केजी, तो ऑप्शन नंबर डी इसे सही कर लीजिएगा, 8 की जगह 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नए टाइप के क्वेश्चन हैं, दो मिश्रणों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके बारे में आप अपन बात करेंगे कल। तो बताइएगा दोस्तों आज का सेशन कितना आसान था और कैसा लगा आप लोगों को। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का एनवीएस एकेडमी पर बने रहने के लिए, मेरे साथ नरेंद्र सिसोदिया के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।